हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो दिवाली नजदीक आ रही है, तो आपके पास हर वेरायटी के झालर लाइट होंगे, आपकी छोटी छोटी डिस्को लाइट होंगे, डीजे लाइट होंगे, पार लाइट भी आ सकते हैं, तो इस टाइप की छोटी छोटी लाइट आ सकते हैं। तो मेरे पास आज आया हुआ है इस टाइप की कुछ छोटी सी लैंप आया हुआ है, आपकी मार्केट में मिल जाती है और बच्चे लोग को बहुत काफी अच्छा पसंद आता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो लाइट ऑन करते ही ये ऐसे फ्लावर की तरह से खिल जाता है और यहाँ पे लाइट ग्लो करता है। तो यहाँ पे जो लाइट ग्लो हो रहा है दोस्तों, सिर्फ ये रेड कलर की लाइट ग्लो हो रही है और इसमें और एक लाइट ग्लो नहीं कर रही है। तो साफ साफ पता चल ही जा रहा है कि शायद एलईडी का प्रॉब्लम हो सकता है या इसके पीछे लगी हुई बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो उसको एक बार हम खोल के देखते हैं बैटरी कंडीशन क्या है। तो आप देख पाए दोस्तों, बैटरी तो ठीक ठाक लग ही रहा है और इसको खोलने के बाद पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या है, कैसा है। सिंपल सा प्रॉब्लम हमको पता चल रहा है, या तो एलईडी प्रॉब्लम होगा या तो बैटरी प्रॉब्लम होगा। बैटरी कुछ इस टाइप की बैटरी आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो ये चेंज करने से हो जाएगा। तो हम ही है, हम क्या करते हैं सब कुछ खोल खाल के आपको दिखाते हैं, इसकी अंदर की राज दिखाते हैं, व्हाट इज इनसाइड दिखाते हैं। तो आज भी हम करने वाले हैं इस वाली छोटी सी लाइट का लैंप का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको खोल खाल के देखेंगे, ये ऐसे होने से लाइट ऑन होता है, जो फ्लावर की जो पंखुड़ी होते हैं वो इस तरह से खुल जाती है। तो क्या सा क्या मैकेनिज्म है और क्या है सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बैटरी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे तीन बैटरी लगी हुई है जो कि आपको 1.5 वोल्ट के आसपास होंगे ये। तो ये खोलते ही हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे खुल चुकी है, तो यहाँ पे बैटरी कंडीशन देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक बैटरी का कंडीशन थोड़ी सी बुरी लग रही है मेरे को। ये इसके अंदर में आप देखेंगे दोस्तों, कुछ नाम लिखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, इसमें नंबर लिखी हुई है AG3 और यहाँ पे लिखी हुई है आपका बटन सेल, तो यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये उसके मॉडल नंबर नहीं है, तो बिना मॉडल नंबर का आप पता भी नहीं कर सकते हैं। उसकी ये पीछे तरफ जो है बॉडी वो पॉजिटिव रहती है और ये बीच में ये नेगेटिव रहता है। तो इस तरह से ये तीन सेल है, तो तीन सेल का वोल्टेज हम थोड़ी सी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को 2 वोल्ट में सेट किया हूँ, क्योंकि ये 2 वोल्ट के नीचे ही इसकी पावर रहती है और ऊपर वाला इसकी नेगेटिव है, नीचे वाला इसकी पॉजिटिव है। तो ये देखिए दोस्तों, 0.331332 पॉइंट में है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट में है, मिली में है। और इसकी भी देखते हैं वोल्टेज कितनी है। इसमें देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट है, 1.5 के आसपास यहाँ पे जा रहा है। और इसमें देखते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये सेल हमारा खराब है, ठीक है, ये सेल हमारा बहुत डाउन हो चुका है। और ये 2 सेल आपका लगभग सही दिखा रहा है, यहाँ पे 1.2953 1.3 1.5 की एक एक सेल रहती है। और इसके बाद नई सेल का हम देखेंगे वोल्टेज कितनी है। अभी हम नया सेल देखते हैं, नया सेल में कितना वोल्टेज हमको मिलेगा। सेम टू सेम नाम की है और साइज भी सेम है, तो इसकी वोल्टेज हम देखते हैं। ये हमारा नया सेल है, किसी भी सेल का प्लस माइनस आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो इसका पूरी बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 1.45 के थोड़ी सी आसपास है, लगभग सही है, हमारा एलईडी ग्लो करेगा। तो यहाँ पे हम एक सेल लगाएंगे तो हमारा ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो इसको खुरपाती करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से खोल खाल के इसको देखते हैं। इसका खोलने का सिस्टम कुछ ऊपर की तरफ होगा, तो इस तरह से आप भी खोल सकते हैं, यहाँ से खुलेगा। तो ये घिंचने से ये निकल गया है, तो यहाँ पे ये लॉक है, ये लॉक हमारा निकल चुका है और ये हमारा लाइट का ये पर्सन भी बाहर आ चुका है, बाकी है इसका निकलना। तो ये इस तरह से प्रेस करने से ये बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमने अलग कर दिया है। और इसके अंदर में देखेंगे दोस्तों, इसको खोलेंगे तो ये भी निकल चुका है, और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये भी निकल चुका है। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट रहती है, ये देखिए, ये छोटी सी लाइट है जो कि हमारा रेड एंड ब्लू कलर की जलती है। तो फिलहाल के लिए ये रेड जल रहा है, ठीक है, और ये इसकी स्विच है, इसे प्रेस होता है, ये जो लेग है इसमें कनेक्ट होता है एलईडी का लेग में, तो ये ग्लो करता है। और यह इसकी बैटरी कंपार्टमेंट है, इधर तरफ प्लस है, इधर तरफ माइनस है। हम इसमें अपना नया बैटरी लगा के देखेंगे, सबसे लास्ट में हम नया बैटरी को रखेंगे, उसके ऊपर में 2 पुराने वाले बैटरी को रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से ये लाइट हो रही है। हमारा ये एक सेल ख़राब था इसका, तो मैंने मार्केट से पूरी सेल खरीद के लाया था इसमें लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही सेल हमारा खराब निकला। तो मल्टीमीटर होने का आपका यही फायदा है, सही जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से लाइट हो रही है, तो ये हमारा रेडी कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटी सी लाइट में वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, छोटी सी लाइट के अंदर आपको यही सब मिलता है, ये छोटी सी प्लास्टिक में, जो ये टूट भी सकता है, इसको आप निकालना नहीं जानेंगे तो फिर ये टूट जाएगा। ये पूरी हल्की सी है, पतली सी है, और इसको यहाँ से कैप में लगाया जाता है इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में, उसके बाद इस वाली बेस को लगाया जाता है और उसके बाद इसके बटन को लगाया जाता है, ये टाइप की कुछ बटन है इसमें, और उसके बाद इसकी बैटरी कंपैटिबल नीचे की तरफ ये कैप है। तो छोटी सी लाइट के अंदर में ये सब है, और ये सिर्फ एक प्लास्टिक का है, प्लास्टिक बिल्ड है जो कि डायमंड शेप में है,
ठीक है, इसमें लाइट थोड़ी सी और ज्यादा निखर के आती है और एलईडी का डायरेक्ट जो फोकस होता है उसको ये थोड़ा सा निखार देता है। ये प्रिज्म की तरह काम है, छोटा सा प्रिज्म है, प्लास्टिक का प्रिज्म है, ये एक्चुअल प्रिज्म ये नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज है इसी छोटी सी लाइट के अंदर में, ये दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से फिट कर लेते हैं, जैसे जो था उसे इस तरह से फिट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा खराब वाला सेल है, इसकी वोल्टेज आपको मिली वोल्टेज में आपको मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। एक एक सेल आपका 1.5 से नीचे होना चाहिए, 1.1 से ऊपर और 1.5 से नीचे का बीच में होना चाहिए। उसका नीचे रहेगा तो फिर ये बैटरी आपका सेल खराब। तो चलिए फटाफट से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करना भी बहुत इजी है, इसके अंदर में ये जाएगा, पहले ये कैप रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये बटन रहेगा, बटन को सिर्फ दबाना है और प्रेस कर देनी है। ये ऊपर लाइट ग्लो, ये बंद, जलते हुए टाइम पे हम इसमें इस वाले जो प्रिज्म है प्लास्टिक का वो प्रेस कर देंगे। बैठ गया ये अच्छी तरह से, बंद हो गया, चल रहा है बहुत अच्छी तरह से, लाइट हो रहा है, बंद हो गया, ये हो गया हमारा। उसके बाद पीछे में जो गार्ड है वो गार्ड को लगा देते हैं। जो ये मेरे को मार्केट में 10 रुपये में मिल गया था एक पीस, तो मैं ले आया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा है, तो बहुत कम रेट में ये बन गया है और बहुत अच्छी तरह से इसकी लाइट ग्लो कर रही है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियो को इस तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी दुआ से मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों इस तरह के कुछ नए से वीडियो में।